मेगा स्टार रवि किशन की बहुचर्चित भोजपुरी फिल्म बैरी कंगना 2 अगले महीने 6 जुलाई से सिनेमाघरों में दस्तक देगी। लेकिन उससे पहले रवि किशन ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महसूस किए जाने वाले अपने अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि बैरी कंगना 2 में गांव, देहात, समाज, संस्कार, आसमान, भूत, प्रेत, ब्रह्म, बाबा, आत्मा जैसी चीजें देखने को मिलेगी जिसे मैं अपने बचपन से सुना करता था। तब आत्मा का किसी के शरीर में प्रवेश करने की भी बात सिर्फ सुनी थी, मगर इस फिल्म में मैंने आत्मा को महसूस भी किया है। जब शरीर में आत्मा आ जाती है तब कितना दर्द होता है, ये मुझे बैरी कंगना 2 के सेट पर पता चला। रवि किशन ने कहा कि बैरी कंगना 2 में फिल्म की कहानी तंत्र विद्या और पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, जिसे निर्देशक अशोक अत्री ने मॉडर्न टच दिया है। बावजूद ये फिल्म भोजपुरी दर्शकों के दिल से जुड़ जाएगी। भोजपुरिया दर्शकों पर मुझे भरोसा है और उनके प्यार की वजह से मैं आज यहाँ तक आया हूँ, इसलिए मैं अपने फैंस को कभी निराश नहीं करूँगा। मैं आगे भी जब भी करूँगा तब उनके लिए अच्छी सिनेमा ही करूँगा। यही वजह है कि मैं फिल्मों की क्वांटिटी की जगह उसकी क्वालिटी पर फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरे फैंस को मुझसे काफी उम्मीदें रहती हैं। बता दें कि RSV प्रोडक्शन के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म बैरी कंगना 2 अब 6 जुलाई को रिलीज होगी। हालांकि इससे पहले रिलीज डेट 29 जून रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 7 जुलाई कर दिया गया है। फिल्म में रवि किशन समेत फिल्म की पूरी कास्ट को काफी उम्मीदें हैं। फिल्म में रवि किशन के अलावा सुभी शर्मी, काजल राघवानी और अवधेश मिश्रा मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद पांडे ने फिल्म की भव्यता के लिए कई नए प्रयोग किए हैं, जिसमें हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का स्पेशल डांस भी है। उनका दावा है कि बैरी कंगना 2 साल 2018 की सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग यूपी और मुंबई में की गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।